आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली टिप्स है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना सिलेबस, रीड आउट योर सिलेबस, पहले अपना सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके बारे में देखें। तो सबसे पहली टिप्स क्या हुई, अपने सिलेबस के को ध्यान से देखें। नेक्स्ट टिप, चेक आउट योर टेक्स्ट बुक। कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड हो, लाइक बोर्ड हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, उसमें हमें पहले टेक्स्ट बुक देखनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री होती है। तो अपनी टेक्स्ट बुक को देखें, टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी यूनिट है, किस कितने एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं, वो सारी चीज़ें देखें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो होती है चीज़, डू क्वेश्चन फॉर योर टेक्स्ट बुक। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर बनता है वो टेक्स्ट बुक से ही बनता है, और जो भी जितने भी उसके क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर दे रहा है स्टूडेंट, उसको एक बार अच्छी तरह से अपने बुक के सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हैं और जितने भी डू और जो उसके क्वेश्चन हैं, डू यू वर्क, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे बीच बीच में, उन्हें करके देखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, कम से कम दो दो बार उन्हें लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है हमारी, डू ऑल एग्जाम्पल फॉर योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, जो बोर्ड का पेपर बनता है, उसमें एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब से क्या नाम सीसी पैटर्न आया है, तो एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो एग्जाम्पल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि आओ करके सीखें, या इस तरह क्वेश्चन जितने होते हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो उनसे क्वेश्चन उठते हैं। तो एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, जिससे आप कुछ सीखें, और आगे उस तरह का अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को बना सकें। नेक्स्ट टिप है हमारी, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट डायग्राम। जितने भी क्या नाम मैथ्स के, साइंस के जो डायग्राम होते हैं, और जो एसएसटी में मैप्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। डायग्राम बहुत ही कम टाइम में याद होने वाली चीज़ है और ज़्यादा नंबर दिलाते हैं। लाइक एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, वो 5 नंबर का है, उसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, एक डेफिनेशन, दूसरा उसके बारे में उसके टाइप्स। तो कहना आपको मिनिमम से मैक्सिमम नंबर 5 में से 3.5 और बहुत ही अच्छा लिखा होगा तो 4 मार्क्स या 4.5 मार्क्स मिलते हैं। पर जो हमारा डायग्राम होता है या मैप्स होते हैं, उसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। मैप्स में आपको लोकेशन बतानी होती है कि आपको एक मैप दिया जाएगा, उसके बारे में लोकेशन बता देनी होती है, पर जो डायग्राम और मैप्स होते हैं उसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं अगर आपने अच्छा बनाया है। तो इसलिए प्रिपेयर इम्पोर्टेंट डायग्राम, जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं
साइंस में कि किसी प्लांट सेल का डायग्राम है, किसी एनिमल सेल का डायग्राम है, किसी भी चीज़ का वो डायग्राम है, तो उसके बनाने की प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करें, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में वो अच्छी तरह बनाया जा सके, कि जिससे 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिले। नेक्स्ट टिप है हमारी, प्रैक्टिस लास्ट 10 ईयर पेपर्स। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि लास्ट ईयर के पेपर, 10 ईयर के पेपर क्यों करे जाएं या किस लिए करे जाएं। जो 10 ईयर के पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं एक जो माइंड सेट चलता आ रहा है या एक पैटर्न चलता आ रहा है, उससे हेल्प मिलती है। जब आप 10 साल के पेपर करेंगे और उन्हें कम से कम 2 बार करें, जब उन्हें 2 बार कर लेंगे, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें ये सक्सेस होता है कि आपको उस तरह का पैटर्न लिखने का, और जो कुछ एक या दो रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं उसको आंसर देने का, डायग्राम किस तरह के पूछे गए हैं, किस तरह का पेपर आ रहा है, कौन सी डेफिनेशन आ रही है, ये सब चीज़ें पता चल जाती है। इसलिए 10 साल के पेपर करने महत्वपूर्ण होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि 10 साल के जब पेपर कर लेता है एक स्टूडेंट, तो उसकी क्या ना राइटिंग पावर, लर्निंग पावर और एक्सप्लेनेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। तो वो जब अपने बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर लिखता है तो उसकी फ्लुएंसी और जो टाइम टेकन का टाइम होता है, जो 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें वो अच्छी तरह पूरा पेपर मैनेजमेंट करके लिख पाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस 10 ईयर पेपर। नेक्स्ट टिप है हमारी कि कहना अपने टीचर, कंसल्टेशन योर टीचर, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। बहुत सी चीज़ें होती हैं जब बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चा पेपर देता है तो उसको एक मनोवैज्ञानिक कारण ये होता है कि उसको प्रेशर रहता है। तो प्रेशर रहने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे, जिस टॉपिक में वो अच्छा होने के बाद भी कभी कभी चीज़ें उसे समझ में नहीं आती, तो वो अपने कंसल्ट करे, टीचर से बात करे, जो उसके फ्रेंड सर्कल में अच्छे स्टूडेंट हैं, जो उसके क्या नाम वेल विशर्स हैं, उनसे क्या नाम मिले, उनसे वो चीज़ें सीखे कि मुझे ये एग्ज़ाम्पल समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। फ्रेंड्स और जब फ्रेंड्स दोनों क्या नाम एक या क्या अपने फ्रेंड्स के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमें जल्दी भी आ जाता है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छी गाइडेंस का काम करते हैं, और इसलिए अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें। जो अगर किसी को पेरेंट्स से हिचकिचाहट है तो अपने टीचर से कंसल्ट करें, इस तरह जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने डाउट्स को लेके कोई हिचक ना रहे और आप बेहिचक अपने फ्री माइंड से एग्ज़ाम दें। थैंक यू। आज हमने बोर्ड एग्ज़ाम की कुछ टिप्स जानी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। थैंक यू।